भी सनबर्न की प्रॉब्लम है? क्या आपको भी पिंपल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं? स्किन टैन हो रही है, स्किन टैनिंग का प्रॉब्लम हो रहा है? दोस्तों, गर्मियां आ चुकी हैं तो ये प्रॉब्लम्स तो आने ही वाली हैं। कॉमन प्रॉब्लम है, हर बार की प्रॉब्लम है। बहुत लोगों को पूरे साल आती है, कुछ कुछ को गर्मियों में आती है, क्योंकि गर्मियों में पसीना ज्यादा निकलता है, स्वेटिंग होता है और उसके साथ में पिंपल्स भी आते हैं। पिंपल्स आएंगे, आप धूप में निकलेंगे, सनबर्न होगा, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनके साथ में बहुत लोगों को फेस टू फेस होना पड़ता है। बहुत लोग इसका सोल्यूशन कर लेते हैं हमारे वीडियोस देख के ऑब्वियस, और कुछ लोग जो भी नए हैं उनको भी ये नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे और वो लोग भी इस चीज से छुटकारा पा लेंगे। सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा ना यार। तो आज इसी के ऊपर मेरा एक वीडियो है। मैं थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा कॉमेडी वाला मैंने थोड़ा सा डाल दिया, आज थोड़ा थोड़ा कॉमेडी बोलते रहना चाहिए। आ चुकी हैं तो मैं आज का जो वीडियो लेके आई हूँ वो मैं लेके आई हूँ सनबर्न के ऊपर। जिन लोगों को सन टैनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, अभी सनबर्न की प्रॉब्लम जिनको बहुत ज्यादा होती है, पीठ में पूरा ये एरिया ब्लैक पड़ जाता है, बाजू में हमारे आता है, फेस के ऊपर तो हम लोग कवर कर लेते हैं, हम एक गॉगल्स लगा लेते हैं, हम फेस कवर कर लेते हैं, लेकिन हम तो क्यों ना हम उन चीजों के ऊपर वर्क किया जाए। अभी प्रॉब्लम आनी है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम से निकलना कैसे है इसके ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं। एक्चुअली चैनल है वहां पर वो ज्यादातर यही बातें बताते हैं कि प्रॉब्लम्स लाइफ की चलती रहती हैं, आपको उन प्रॉब्लम्स को नहीं देखना है, लेकिन जो उस चीज से आपको निकाले आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। तो मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा सा वो चीज भी अभी घूमने लग गया कि मुझे सोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए, प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं, हमें प्रॉब्लम नहीं सोचनी चाहिए। तो चलो ठीक है, यहां तक मैंने मेरा वीडियो अभी बताया है, तो प्लीज मेरे चैनल के ऊपर जो भी अभी नए लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। ऑल वाला मतलब एक होता है नोटिफिकेशन, एक पता नहीं नीचे कुछ और भी होता है, जो ऑल वाला है उसको जरूर दबाइए ताकि पहले से पहले जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में पहुंच जाए और आप देख सकें उसको। इसमें अभी हमने फर्स्ट में क्या लगाया है, इसमें हमने पहले डाला है चावल का आटा। अच्छा, चावल का आटा आप बाहर का भी ले सकते हैं, आप घर का भी अपना पीस सकते हैं, लेकिन अच्छा चावल के आटे को हम लोग, काफी लोगों को दिमाग में होगा कि चावल लिए ग्राइंड किए हो गया, नहीं, वो प्रोसेस नहीं होता है उसका। चावल का आटा बनाने का प्रोसेस होता है कि आप उसको पहले वॉश करिए चावल को अच्छे से, उसके बाद उसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद में उसको फैला दीजिए एक ट्रे के ऊपर और उसको ड्राई होने दीजिए। जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए उसके बाद आप उसको ग्राइंड करिए, तो वो उसका जो पेस्ट बनता है वो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस पीसने वाला है ना, इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं मालूम था, इसलिए मैंने आज बता दिया। चलो आज एक एक टिप हो गया, मेरा अलग से टिप हो गया। इसके साथ में चावल के जो फायदे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। चावल एक ना बहुत अच्छा ऑयल ऑब्जर्विंग है, मतलब अगर जिनको बहुत ज्यादा स्किन के ऊपर ऑयल आता है ना, उसके अगर ये अप्लाई आप करते हैं 2 से 3 बार आप वीक में कर लेते हैं, तो आपको वो जो ऑयल बनता है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। ऑयल से रिलेटेड, ऑयल हमारी स्किन पे क्या कितना कुछ डैमेज करता है, उसके ब्लैकेट बनते हैं, उससे पिंपल्स आते हैं, पिंपल्स जब जाते हैं तो अपने निशान छोड़ के जाते हैं, जिससे हमें एक्ने की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ऑयल से रिलेटेड कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ 2 से 3 ही बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए वो चीज। और इसके साथ में मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक बहुत अच्छी, उसमें होता है एंटी प्रॉपर्टीज होती है उसमें बेकिंग सोडा में, जो हमारी स्किन के ऊपर जो लेयर बन जाती है एक ना, हमारी स्किन के ऊपर ना जैसे धूप से या बहुत ज्यादा अगर हम अपनी स्किन को केयर नहीं करते ना, तो हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाती है, डेड सेल की लेयर बन जाती है। बहुत लोगों को ऊपर से नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जब आप ये चीजें DIY या रेमेडीज जो भी हम लोग स्क्रब करते हैं या स्किन की केयर करते हैं, उस केयर के बाद में जब आप जैसे कोई भी एक पैक लगाए, मान लीजिए कोई भी आप स्क्रबर किए या पैक लगाए, उसके पहले आप अपनी स्किन को टच करिए और होने के बाद में आप अपनी स्किन को टच करिए, आपको फील पता चलेगा कि हाँ होने के बाद में डिफरेंस आता है। इसीलिए अगर हमें लग रहा है हमारी स्किन बड़ी अच्छी लग रही है और ग्लो कर रहे, नहीं, आपको उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि वो स्किन और ग्लो करे। तो जो बेकिंग सोडा होता है वो हमारी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन सेल बन जाती है हमारी स्किन के ऊपर, चाहे बॉडी के ऊपर कहीं पर भी, वो उस परत को हटाने का काम करता है। आप बेकिंग सोडा में होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो हमारी स्किन को स्क्रब करने का भी एक बहुत अच्छा स्क्रबर है ये। अगर आप इसको एज ए स्क्रबर, मतलब
जो भी चीजें मैं आपको, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि इसमें आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रब करने का भी काम करेगा। तो अगर आप इसको एज ए स्क्रबर भी जब आप फेस पे लगाते हैं और स्क्रब करते हैं तो वो आपकी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन सेल, एक जो परत बन गई है, उसको हटाने का काम करता है। तो एक तो बॉडी इसमें स्किन को क्लीन करने का काम करता है और जो स्किन सेल्स डेड जम गए हैं हमारी स्किन के ऊपर उसको भी हटाने का ये काम करता है। इसके साथ में मैं आपको चावल का बता देती हूँ। चावल में होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। सेकंड इसमें होता है स्किन को फेयर करने का, इसमें बहुत अच्छा है एक एजेंट होता है जो हमारी स्किन को 2 से 3 टोन फेयर कर देता है। अगर आप रेगुलर चावल को यूज में लाते हैं ब्यूटी में तो ये आपकी स्किन के कलर को इनहेंस करता है। आपको ये एंटी एजिंग मतलब बुढ़ापे की तरफ अगर आपकी स्किन बहुत जल्दी जा रही है तो ये उसको रोकने का भी काम करता है। बहुत अच्छा एंटी एजिंग है ये, आप जिस भी फॉर्म में आप यूज करना चाहें। मैंने क्योंकि फेस वॉश भी बनाया हुआ है इसके ऊपर, मेरा एक वीडियो बना हुआ है DIY में, मैंने फेस वॉश भी बनाया था जो चावल के आटे से मैंने बनाया था, वो इतना अच्छा था, 1 हफ्ते तक का मैंने बनाया था, वो बहुत अच्छा था। मेरे आस पड़ोस में मैंने बहुत लोगों को वो दिया और उन्होंने उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे बताया कि बहुत अच्छा उनको सूट किया। चावल का आटा हमने इसमें यूज किया है, इसके साथ हमने इसमें यूज किया है बेकिंग सोडा। थर्ड हमने इसमें डाला दूध, हमारे दूध में होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के मतलब वो जो कच्चा वाला दूध होता है ना, पका हुआ नहीं, पका हुआ दूध में क्रीम आ जाती है, मलाई आ जाती है, घी आ जाता है, ऑयल आ जाता है, वो हमें यूज नहीं करना, हमें कच्चा दूध चाहिए, रॉ मिल्क चाहिए इसमें पड़ता है। तो ये चारों चीजें जब मिल के हमने इसका बनाया है तो आपने इसका रिजल्ट सामने, लाइव रिजल्ट है, रिजल्ट था, एक हाथ मैंने अलग रखा था, एक हाथ अलग रखा था, वो लाइव रिजल्ट दिखा था कि कितना इससे अलग आता है, कितना इसका डिफरेंस पता चलता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर कीजिए, मैं कह रही हूँ ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज उसको माफ कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ा सपोर्ट करिए, अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको जरूर लिखिए दोस्तों, मैं उनका रिप्लाई करने का जरूर 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 ट्राई करूंगी जितना हो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।